और इस बीच महिला आरक्षण बिल पर क्रेडिट लेने की अब होड़ भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने कहा कि हमने सरकार पर दबाव बनाया, बीजेपी हार रही इसलिए महिला आरक्षण पर दांव खेल रही है। तो देखिए यहां पर क्रेडिट लेने की होड़ शुरू हो चुकी है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये बात कही जा रही है कि हमने सरकार पर दबाव बनाया और तभी जाकर के ये कदम सरकार की तरफ से उठाया गया। इफ वी इन्वॉल्व वुमेन इन द पॉलिटिकल सिस्टम, इफ वी गिव वुमेन स्पेस इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, if we give women space in the businesses of the country, we will automatically make them safer. So I think involving them in politics, involving them in business, involving them in running the country are the way to give them power. और महिला आरक्षण बिल के समर्थन में कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि इस बिल का स्वागत करते हैं, सर्वदलीय बैठक में हो सकती थी चर्चा, जयराम रमेश ने ये कहा। कांग्रेस ने जयराम रमेश का ट्वीट किया कि महिला आरक्षण लागू करने की कांग्रेस पार्टी की लंबे समय से मांग रही थी, हमें बिल के डिटेल्स का अब इंतजार है। तो ये जयराम रमेश का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लंबे समय से महिला आरक्षण को लागू करने की मांग कर रही है, हम कथित तौर पर सामने आ रहे केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस फैसले का स्वागत करते हैं और विधेयक के जो डिटेल है उसकी हम वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। विशेष सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में इस पर अच्छी तरह से चर्चा की जा सकती थी और पर्दे के पीछे वाली राजनीति के बजाय आम सहमति बनाई जा सकती थी।